बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन के $458 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आज के रेट के हिसाब से 1,26,000 रुपया बनता है, अपने मोबाइल के जरिए काम करके कमा सकते हैं। और ये चीज मैं आपको आगे जाके प्रूव करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने उसके ऊपर मेहनत कर ली जिस तरीके कार से मैंने आपको बताया, आपने उस तरह से काम कर लिया, तो आप दिनों में इंशाल्लाह इसके जरिए से लाखों रुपए कमाना शुरू हो जाएंगे। और काम भी आपने अपने मोबाइल से करना है, जिस मोबाइल के ऊपर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इसी मोबाइल के जरिए से आप वो काम कर सकते हो। काम किस तरह से करना है और किस तरह से आप एक दिन में लाखों रुपए कमा सकते हैं, लोग इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल के जरिए से किसी जानवर की, किसी सनसेट की, किसी रेंडम सीन की पिक्चर लेनी है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर देनी है। अब वो पिक्चर मिलियंस ऑफ लोगों के पास जाएगी, मिलियंस की ट्रैफिक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है, उसके पास वो जाएगी। ये शटरस्टॉक के बारे में नहीं है, ये पीएनजी ट्री के बारे में भी नहीं है, ये डिजाइन क्राउड के बारे में नहीं है। आपने अपने मोबाइल से पिक्चर कैप्चर करनी है, वहां पे लगा देनी है। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आपने वीडियो को मिस नहीं करना, इस काम को पहले आपने देखना है और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेहनत। मेहनत जरूरी है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से एक रुपया भी नहीं कमा सकते। तो वीडियो में जाने से पहले, मेरा नाम है आकिब शाहीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आदमीद आकिब शाहीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहे। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लिया करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी का घर चला सके। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूं। आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर जब आप जाके एक पिक्चर लगाओगे, आपकी वो सिंगल इमेज जो है वो $19 से लेकर $61 तक सेल हो सकती है। आपके मोबाइल से कैप्चर्ड की गई एक पिक्चर जिसको आपने अपने मोबाइल से कैप्चर किया है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपलोड कर दोगे। किस तरह से अपलोड करोगे, किस तरह की पिक्चर्स होंगी, वो तमाम तर चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और अगर आपके 25 इमेजेस का पैक सेल आउट हो जाए तो आप $458 तक अर्न कर सकते हो। सिर्फ एक तरह की पिक्चर से $458 तक आप इस प्लेटफॉर्म से आसानी एक दिन में भी अर्न कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई आता है वो आपका 25 इमेजेस का पैक एक दिन में परचेज कर लेता है तो आप इससे $458 तक एक दिन में अर्न कर सकते हो। अब अगर आप ये सोचते हो कि आपकी इमेजेस परचेज कौन करेगा, तो अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक देखता हूं तो 57.91 मिलियन की ट्रैफिक इसके ऊपर मौजूद है, जो सिर्फ और सिर्फ ये इमेजेस परचेज करने के लिए आते हैं, जिसमें 19.30 मिलियन इसके ऊपर मंथली ट्रैफिक मौजूद है, जो कि आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट से और डिफरेंट कंट्रीज से, जो प्रीमियम कंट्रीज से, वहां से, ये देखें, यूनाइटेड स्टेट से, यूनाइटेड किंगडम से, इंडिया से, कनाडा से, जर्मनी से, मतलब वो कंट्रीज जो प्रीमियम कंट्रीज हैं, वहां की ट्रैफिक इसके ऊपर आती है और वो आपकी इमेज यहां से देखेंगे और परचेज करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हो। ये इस प्लेटफॉर्म का नाम है, या फिर आपने गूगल के ऊपर लिख लेना है अलामे कंट्रीब्यूटर, ठीक है। इस पर आप आगे इसके ऊपर आपने साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइनअप के ऊपर क्लिक करते हो ये आपको इस तरह के फॉर्म के ऊपर लेके जाता है। यहाँ पे आपसे आपका नाम, आपका लास्ट टाइम, आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछता है। आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा देना है जिसको आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फील हो रहा हो, जिसको आप कभी भूल ना सके, ठीक है जी। इसके बाद आपने यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर दे देना है। फोन नंबर देने के बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस दे देना है। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपसे आपका सिटी पूछता है, आपने यहाँ पे अपना सिटी दे देना है, ठीक है। सिटी देने के बाद आपसे यहाँ पे आपका कंट्री पूछता है, वैसे नीचे आपका कंट्री सिलेक्ट है, यहाँ से आपकी स्टेट पूछता है, ठीक है, आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे आपने अपना जिप कोड बताना है, जो आपका जिप कोड होगा आपने वो दे देना है। वो देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप कोई फोटोग्राफर हो, आपकी कोई एजेंसी है या फिर आप स्टूडेंट हो, ठीक है। आपने यहाँ पे बता देना है कि मैं कोई फोटोग्राफर हूँ। यहाँ पे आपसे अबाउट यू पूछता है, यहाँ पे आपने इसका जो अबाउट यू है वो चैट जीपीटी से लिखवा देना है या फिर आपने खुद लिख लेना है, वो आप देख लीजिएगा आपने किस तरह से करवाना है। इसके बाद आपने ये देखें इसका, वो कह रहा है कि आप इसकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, आपने इसको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपने यहाँ पे वो एक क्या बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर मेक सेल्स इन टू ऑल इंटरनेशनल मार्केट थ्रू अवर नेटवर्क ऑफ एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर। वो कह रहा है यू कैन रिसीव अप टू 24% कमीशन ऑन ऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स। वो बता रहा है कि अगर आप खुद से सेलेक्ट करना चाहते हैं कि भाई मैंने इस मार्केट में
सेल करना है तो आप इसमें आपने नो को सेलेक्ट कर देना है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद सेल करें तमाम तरह इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, तो आप यस पे कर दें, उस पर आपको 24% कमीशन मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, तो आपने यस पे रहने देना है स्टार्ट में, ताकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है स्टार्ट में वो आपको सेल करे। जब आप इस काम को समझ जाएं तब आपने खुद से अपनी मार्केट सेलेक्ट करके उसके अंदर सेलिंग करनी है। आपने नीचे इसके टर्म्स एंड सर्विसेज को अग्री करने के बाद नीचे आपने बिकम अ कंट्रीब्यूटर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये प्रोसेसिंग करता है आपके फॉर्म को, यहाँ पे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ये आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर लेके आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग एज अ कंट्रीब्यूटर, सेंड अस जेपीईजीज और उसके बाद आप सेलिंग करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, वो कह रहा है कि तीन, आपने चेक योर इमेजेस एंड फुल साइज एंड मेक श्योर दैट दे मीट ओवर टेक्निकल क्राइटेरिया। आपने यहाँ से ओपन करके इसका टेक्निकल क्राइटेरिया पढ़ लेना है कि जो आप इमेजेस अपलोड कर रहे हो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड सर्विसेज हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पे देख के उनको रीड करके आपने उसके बाद उसी हिसाब से पिक्चर्स बना देनी है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है क्वालिटी चेक को आपने किस तरह से पास करना है, आपने ये तमाम तर चीजें यहाँ पे पढ़ लेनी है। वो बता रहा है कि आपकी इमेज का जो साइज है 3 से 5 MB से बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस एक्चुअल पिक्सल्स होने चाहिए, ये तमाम तर चीजें आपने यहाँ पे पढ़ लेनी है। अगर मैं तमाम तर डिटेल्स आपको समझाने लग गया तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक हो गया जी, अब यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है चूज योर अपलोड रूट, आप एज अ फोटोग्राफर अपलोड करना चाहते हैं, इलस्ट्रेशन आपने सेलेक्ट कर देना है फोटोग्राफर या इलस्ट्रेशन जो भी आप, अगर आप मोबाइल से तस्वीरें बना रहे हो तो आपने फोटोग्राफर सेलेक्ट करना है, फोटोग्राफ सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हो और आप इलस्ट्रेशन इसके ऊपर करना चाहते हो तो आपने इलस्ट्रेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने आपकी आपकी जो इमेजेस हैं उनको चेक करना है, तो आपने ब्राउज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ब्राउज़ फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने तीन इमेजेस सेलेक्ट करनी है, लेकिन उन इमेजेस का आपने ये ध्यान में रखना है कि वो आपकी 5 MB से बड़ी हो, 3 MB से बड़ी हूँ और 5 MB तक अगर वो कंप्रेस्ड फाइल है। ठीक है, और अगर वो लार्ज इमेज है तो फिर वो 17 MB से बड़ी होनी चाहिए। अब आपने इसको किस तरह से सिलेक्ट करना है, किस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लेना है, कैनवा पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे आपने अपलोड पे चल जाना है, चूज फाइल पे चल जाना है। चूज फाइल पे जाने के बाद जो आपने यहाँ पे फर्ज करे जो मैंने पिक्चर्स रखी हुई है, वो मैं तीन पिक्चर्स मैंने इस प्लेटफॉर्म के लिए रखी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिक्चर्स मैंने रखी हुई हैं, अब मैं इस पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे अपलोड करने के बाद यूज इन अ डिजाइन के ऊपर चला जाता हूँ। अभी मैं आपको इस पिक्चर का साइज दिखा देता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर के माउस लेके जाता हूँ तो देखिए 452 KB की ये पिक्चर है अभी। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, एडिट फोटो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एडिट फोटो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पिक्चर यहाँ पे एडिट मोड में आ जाएगी। आपने यहाँ ऊपर से यूज इन अ डिजाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने इसका डिजाइन स्टूडियो ओपन हो जाएगा कैनवा का। आपने इसके अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो आप कर लें, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करना है। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसको एज अ जेपीजी सेलेक्ट करना है। जेपीजी सेलेक्ट करने के बाद जो इसका मैक्सिमम साइज होगा उस पर आपने ले जाना है। इसकी क्वालिटी आपने मैक्सिमम पे ले जानी है। ठीक है, मैक्सिमम पे लेके जाने के बाद आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखे कि यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको इस इमेज का साइज बताता हूँ। अच्छा, ये वो इमेज पड़ी हुई है। अब आप देखें ये 16 MB की बन चुकी है, 16 MB की बन चुकी है। पहले आपने इस इमेज का साइज देखा था, मैंने आपको इस इमेज का साइज दिखाया था जो कि 452 KB था। तो इस तरह से आप इस पिक्चर का साइज इंक्रीज करके यहाँ पे आप तीन पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। अब आपको मैं दोबारा से अलामी के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको वो तीन पिक्चर सबमिट करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे तीन इमेजेस अपनी जो स्टार्ट पे आपसे ये मांगता है आप वो अपलोड कर लेते हो, यहाँ पे आपसे सबमिट करने का कहता है। सबमिट करने के बाद वो कहता है कि आपकी इमेजेस हमने सबमिट कर दी है, 24 आवर्स लगेंगे। उसके बाद आपकी जो है QC टीम आपकी ये इमेजेस चेक कर लेगी और उसके बाद आपका क्या है, आपका ये अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, माय अलामी की तरफ मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड आ चुका है। डैशबोर्ड के ऊपर ये मुझे बता रहा है कि तुम्हारा क्या स्टेटस है, तुम्हारी कितनी सेल्स हुई हैं और तुमने कितनी डॉलर अर्निंग कर ली है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी सेल्स रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं कि इस मंथ में आपने कितनी अर्निंग की है और आपने कितनी पिक्चर्स अपलोड की हैं। ठीक है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको यूज करते हुए पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी तमाम तरह डैशबोर्ड पे डिटेल्स आ रही होती हैं। यहाँ से आप अकाउंट सेटिंग के अंदर जाके आप अगर कोई पासवर्ड में चेंजेस करना चाहें या कोई भी अपनी कैटेगरी वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है,
अब ओवरव्यू में वापस वहीं पे मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आप जब अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हो, आपकी पिक्चर्स सेल आउट हो जाती हैं और आप उनके जरिए से एक अच्छी वाली इनकम इंशाल्लाह जनरेट कर देते हो। ये इनका कंट्रीब्यूटर फोरम है, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। फेसबुक पे आप इनका फोरम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ट्विटर पे, ठीक है, इंस्टाग्राम, पिनइंटरेस्ट, लिंक्डइन, यूट्यूब और ब्लॉग, इसके ऊपर आप इनके फोरम्स पे जाके कोई आपको मजीद मालूमात हो लेनी हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि करंट क्लियर्ड बैलेंस $0। जैसे ही आपकी पेमेंट यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ पे आप पेमेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, पेमेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं कि आपने इस पेमेंट को विड्रॉ किस तरह से करवाना है। तो यहाँ से आपको कहता है कि आपने अपना पासवर्ड देना है, पासवर्ड देने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि कोई और आपके अकाउंट को यूज करके इसको जो है यूज ना कर सके, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है यूअर पेमेंट डिटेल्स, ठीक है, प्लीज चूज अ पेमेंट ऑप्शन, प्लीज चूज अ पेमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देता है, फंड्स ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट होगा आप उसमें फंड ट्रांसफर दे सकते हैं। बैंक जो है आपका यूके या यूएसए का होना चाहिए, वो आप पेनीर के जरिए से ले सकते हैं। यहाँ पे आपने बैंक का नाम डालना है, बैंक का नाम डालने के बाद आपके बैंक में जो नाम होगा वो डालना है। यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स का भी देखे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप आपके बैंक की डिटेल्स डाल सकते हैं कि चेकिंग है, सेविंग्स है, और यहाँ पे आप यहाँ पे रूटिंग नंबर और यहाँ पे आप अपने पेमेंट की डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। डिटेल्स डालने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। यूएसए का अकाउंट मैंने एक वीडियो के अंदर आपको डिटेल में डालने का तरीकेकार बताया है और आपने वो कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, वो तमाम तर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। पाकिस्तान में रहते हुए आप यूएस का बैंक अकाउंट और यूके का बैंक अकाउंट ले सकते हैं पायनियर की मदद से। पायनियर की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख के अपना पायनियर का अकाउंट बना सकते हैं और यूएसए का अकाउंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेपाल के ऊपर अगर लेना चाहते हैं पाकिस्तान से रहते हुए, उस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पाकिस्तान में आपको उस तरह की वीडियो कहीं से नहीं मिलने वाली, ठीक हो गया। और उसके बाद आप अगर स्क्रिल से लेना चाहते हो, आपने यहाँ पे स्क्रिल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आपने अपनी स्क्रिल की आईडी दे दी, उसको कंफर्म करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो आपके स्क्रिल के अकाउंट में आपकी अमाउंट आ जाएगी। जैसे ही $50 आपकी अमाउंट जब इसमें हो जाती है आप उसको विड्रॉ करवा सकते हो। तो आप जाएं अभी से इसके ऊपर, आप इलस्ट्रेशन लगाएं, आप इसके ऊपर से पिक्चर्स बना के लगाएं, इंशाल्लाह उम्मीद तो यह है कि आपकी पिक्चर अच्छे दामों बिकेगी। और आपकी अगर पिक्चर्स मैंने आपको दिखाया था कि बल्क में बिक जाती हैं तो आप इससे एक दिन में $458 तक भी अर्न कर सकते हैं अगर आपका 25 इमेजेस का पैक इस पे सेल आउट हो जाता है। तो आप इसके ऊपर पिक्चर्स लगाते जाएं, इसके क्राइटेरिया को देखकर उसके हिसाब से आपने पिक्चर्स लगानी है। अगर आप इलस्ट्रेशंस लगाते हो तो भी आप लगा सकते हो, कैनवा के ऊपर जाकर भी आप इलस्ट्रेशंस क्रिएट करके वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो और उसके जरिए से भी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपकी तो इस वेबसाइट पे मौजे लग जाएंगी, लेकिन अगर आप नहीं हैं, आप फोन से पिक्चर्स लेने के शौकीन हैं, तो भी आप इससे अच्छी वाली इनकम जनरेट कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है मैंने आपके साथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली तमाम तरह वीडियो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, इसको सीखें, समझ इसको सीखें और इसके जरिए से पैसा कमा सकें। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।